तो रात में वो लेपर्ड नहीं आते, तेंदुआ वगैरह? दूर दूर तो होते हैं, घर के पास नहीं आते, घर के पास नहीं आते हैं। बट मार्केट से थोड़ा सा बाहर निकलो तो बहुत ही खूबसूरत है मसूरी। मेरा नाम है अफसार मलिक, मैं दिल्ली। अरुण जी भाई डॉन है यहाँ का मसूरी का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुस्वागत है माय न्यू ब्लॉग। रात बहुत लेट से सोया, एडिटिंग कर रहा था, फिर भी अभी तक एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। मैं हूँ जो लगता है पहले उठा हूँ, हैदर भाई भी नहीं उठे हैं, इट्स ओके। हमारे बगल में करण साइकिल ठहरे हुए हैं इस कॉटेज में, तो वो भी अभी तक नहीं उठे हैं। मैं उठ गया, गुड मॉर्निंग। तो गाइस बने रहे वीडियो में। लोग खाना मंगा लिए हैं, अब हम लोग लंच करेंगे। हैदर जी वेट कर रहे हैं, कब हम लोग स्टार्ट करेंगे? यस, एक्साइटेड फॉर हैविंग फूड। तो आइए हमारे साथ लंच कीजिए आप भी। और लंच के बाद हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। कहाँ पे हम जाएंगे? जॉर्ज एवरेस्ट एंड क्लाउड्स इन, बहुत फेमस जगह है मसूरी की। एंड हमें रिकमेंड किया गया है कि आप अगर मसूरी आए हो तो आपको जाना ही चाहिए। बट हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, एंड आपको भी ले चलेंगे हमारे साथ वहाँ पे, जुड़े रहना हमारे साथ। तो गाइज हम लोग लंच फिनिश करके फिर चलते हैं वहाँ, मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइज हम लोग मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ा होगा, बहुत ही हाइट पे है ये और पूरे जंगल है। स्कूल मैराथन अरुण जी लेकर के आए हैं मुझे आज, तो जहाँ पर मैंने बोला ना आदि पाऊँ मैं, और हैदर जी के साथ आए स्कूल तक हमारे, मतलब वही। और यहाँ मुझे भाई मेरा एक यूट्यूबर मिले हैं। हेलो, मेरा नाम है अफसार मलिक, मैं दिल्ली से हूँ और पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ विदाउट मनी, सिर्फ एक कैंपिंग टेंट के साथ। मैं ऐसे ही जंगलों में घूमता हूँ, पहाड़ों में घूमता हूँ और पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत घूम लिया मैंने। पूरा भारत इन्होंने घूम लिया विदाउट मनी। तो गाइस चलते हैं पीक के ऊपर, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आ गए अब जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के यहाँ पे कॉटेज है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, बस ये एक पीक पे है। तो मैं दिखाता हूँ आपको जॉर्ज एवरेस्ट का कॉटेज। तो हम लोग आ गए अब जॉर्ज एवरेस्ट के सबसे पीक पे है। यहाँ से पूरा देहरादून सिटी दिख रहा है, कैमरे में दिखेगा नहीं बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। हैदर जी भाई हमारे लग गए चल के, इतना बहुत टाइम के बाद जैसा इतना स्टॉप स्लीप चढ़े थे हम, बट वर्थ इट है। तुम यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से जो व्यू है, ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आएगा, बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है, जो न्यू डाई में जो आ रहा है ना खूबसूरत। हाँ, अरुण जी थके नहीं है क्योंकि अरुण जी तो यहाँ बराबर आते रहते हैं। अरुण जी भाई डॉन है यहाँ का मसूरी का। तो अरुण जी यहाँ के बाद हमें कहीं और भी ले जाएंगे अभी, तो वहाँ चल के दिखाते हैं आपको। कहाँ ले जाएंगे हम लोग अभी? विशिंग वेल चलेंगे हम लोग। जॉर्ज एवरेस्ट तो हो गया, ये मसूरी नाम मसूरी का जगह का क्योंकि उन लोगों को ठंडा में रहना था और ये दिल्ली से नजदीक भी था, ये क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं ना। तो मेरे पीछे जॉर्ज एवरेस्ट का ऑब्जर्वेटरी है, अब नहीं है, पहले था उनका। और यहाँ पास पास बहुत ज्यादा ग्रास लैंड है और बहुत खुला खुला जगह है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, क्योंकि दूर दूर तक पहाड़ नहीं है, थोड़ा ग्रास लैंड टाइप का है, फॉरेस्ट भी यहाँ पे नहीं है। अरे यहाँ पे कितना अच्छा बना है ये, वाओ। अच्छा उस पीक पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे बता देना। अच्छा वहाँ, तो वहाँ से हमको वो सही से लगे पूरा, वो सही से पूरा। ये बकरी है भेड़ है? भेड़ है बकरी, दोनों मिक्स है। अच्छा मिक्स है ये, बकरी है ये भेड़ है? अच्छा हाँ, बाल से पता चल रहा है। कितने लगे हैं?
बकरी का जा रहा है पूरी। कहाँ से आप लोग? चाचू उत्तरकाशी से आए हो यहाँ तक? भैया बकरी उत्तरकाशी क्या दर्जी? 1000 बकरियाँ हैं। अरे ऊपर कितना सारा है, बच्चे भी हैं क्या? लोग अरुण जी के केवी से आए थे जॉर्जिया बीच घूमने के लिए। अब यहाँ से अरुण जी के यू बीच स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो हम लोग विशिंग वेल जा रहे हैं, रास्ता बहुत मज़ेदार है, रास्ता ऑफ रोड है, अरुण जी ही हैं जो इसमें चला पा रहे हैं कार, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये फॉरेस्ट में सनलाइट बहुत अच्छा लग रहा है ना। कैसा लग रहा है आपको मशहूरी का सैर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लग रहा है आपको मशहूरी। मुझे तो मज़ा आ रहा है, मॉल रोड पे ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। खैर मार्केट एरिया में तो ऐसा ही होते हैं, बट मार्केट से थोड़ा सा बाहर निकलो तो बहुत ही खूबसूरत है मशहूरी। ये अरुण जी कहाँ ले जा रहे हो आप? भी तो ट्रैक्टर जैसे चल रही है खेतों में, वैसे चला रहे हो आप कार को यार। अरे बाप रे, ये कैसे रास्ता? हाँ यहाँ पे रुकेंगे घुमाने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं विशिंग वेल, इसको विशिंग वेल ही बोलते हैं कि विशिंग वेल से ऊपर है ना ये? विशिंग वेल से ऊपर है। अरुण जी के साथ हम आए हैं अरुण जी की स्पेशल जगह पे। हाँ अरुण जी की स्पेशल जगह है, यहाँ पे ये अक्सर आया करते हैं। किस लिए आते हैं तो वीडियो में नहीं बताऊंगा बट आते हैं, अक्सर आया करते हैं यहाँ पे। यहाँ कितनी बार हम, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आने वाला है। ये तो रहा चोरी, यहीं पे तो हम लोग आए थे यार उस टाइम। तो गाइस उस समय हम लोग वहां पे थे, वो व्हाइट वाली बिल्डिंग के पास जो जॉर्जिया बेस्ट की ऑब्जर्वेटरी थी। तो अरुण जी ले जा रहे हैं अपना उस पॉइंट पे, उनके प्लेस पे तो आ गए हम लोग, उस पॉइंट पे ले जा रहे हैं जहाँ ये मस्तियाँ क्या करते हैं। वाओ इधर से भी कितना अच्छा लग रहा है। ये मसूरी का तो हैदर जी, सब जगह अगर इंसान ही बस जाएंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? बट बस गए हैं ना, बस गए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह भी खाली है। मैं जो ये पूछा, मैं इंसानों के हिसाब से नहीं पूछा, मैंने जानवर के हिसाब से पूछा कि नीचे अगर है तो फिर नीचे भी जानवर नहीं रहेगा। जगह यार ये तो हम लोग आ गए हैं विशिंग वेल के पास। ये रहा विशिंग वेल। तो इस कुआं का कुछ खासियत है क्या? और खासियत है, पानी सबको दे रहा है। पानी सबको दे रहा है, सबको पूरा खाता है मतलब, और लोग मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगते हैं इसमें, मन्नत पूरे हो जाते हैं बोलते हैं। सदर जी हम भी थोड़ा मन्नत मांग ले, आप भी मांगेगा? हाँ हाँ हाँ। सिक्का पीछे की तरफ फेंकना है। अंदर जाना चाहिए अनमोल जी, इसमें जाना चाहिए क्या? सिक्का इसमें आना चाहिए। हाँ तो मन्नत पूरी होगी ना अनमोल जी। नहीं मैं फेंका नहीं हूँ, ये छोटी वाली चलेगी ना। अरे कोई भी ले लो। चला गया? यस यस। और गाइस बताएंगे नहीं बीस क्या मांगा हूँ, वो जब पूरी होगी तो वीडियो में आएगा। सब्सक्राइबर ही मांगे हैं और कुछ नहीं मांगा है अनमोल जी ने, हमें पता है। तो देखते हैं जब पूरा होगा तो वीडियो में बताएंगे।
Yes, let's see. Let's see, guys. तो हम लोग घूम लिए हैं. हैदर जी आप विश मांगोगे? मैं विश मांग मैं भी मांग लूंगा, क्यों नहीं, हम भी मांग लेंगे. आप भी विश मांग लो. हम विश मांगेंगे. कॉइन है? हाँ कॉइन है, कॉइन है. मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है. 2 रुपये निकले. लो. तो कितना दिन चाहिए? चले आपके डबल विश पूरे होंगे. सारे गाड़ी में रहे. तो हैदर जी विश मांग रहे हैं. जय शिव शंभु. Yes! खतरनाक. तो हम लोग विशिंग बेल, अरुण जी ने हमें घुमा दिया, हम लोगों ने विश भी मांग लिया. बहुत ही खूबसूरत जगह थी इधर. इधर लोग नहीं रहते, बहुत ही कम है, फॉरेस्ट है. नाइट में इधर लेपर्ड भी आता है, जैसे अरुण जी ने बताया. लेपर्ड आते हैं और भी जंगली जानवर जो है वो आते हैं. हाँ. और बस हमें बस यही था कि हम मसूरी आए थे. हम मसूरी में बहुत सारा मतलब ये देख लिए थे ना, क्राउड, बहुत भीड़ थे, मार्केट. हाँ, थे इस तरह का जगह देखे नहीं थे. ये हाँ, ऐसी चीजें मुझे ऐसा ही चाहिए. जैसे नैनीताल में जाओगे तो मार्केट जस्ट ही ऐसा मिलेगा आपको. मसूरी में काफी बड़ा मार्केट है. तो ये बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही खूबसूरत लगा यहाँ पे आके, बहुत मजा आया. गाइज ये आंटी जी का यहाँ पे दुकान है, अकेला जंगलों में. और पीछे इनका घर भी है, अकेला एक ही घर है यहाँ पे. और ऊपर बता रही है घर है. तो आंटी जी से पूछा मैं, डर नहीं लगता था? बोलती है डर नहीं लगता. डर नहीं लगता बाकी आप लोग यहाँ पे? नहीं, नहीं लगता. तो रात में वो लेपर्ड नहीं आते, तेंदुआ वगैरह? दूर दूर तो होते हैं, घर के पास नहीं आते. घर के पास नहीं आते हैं, चहल पहल ज्यादा है ना. अच्छा अच्छा अच्छा. तो लाइट वगैरह घर तक आती है सरकार वाली? सरकार वाली घर तक आती है ना. सरकार जो लाइट दे रखी है घर तक आती है. अच्छा. और पानी आप लोग इसी कुआं से पीते हैं? अच्छा. और मार्केट के लिए वो हम आ जाते हैं बाहर मसूरी में. चलिए ठीक है, मिलते हैं. तो मजा ले रहे हैं हैदर जी. थोड़ा मैं डॉगी को खिलाऊंगा तो फिर. अच्छा ऐसा? खाएगा नहीं डॉगी मेरे साथ. उसी के लिए ले आऊं? खाएगा नहीं, उसी के लिए. आजा. हाँ नीचे दो ना उसे एक बार. आजा अनमोल जी, हमें भी थोड़ा खिला देना. हाँ हाँ आपके लिए भी है. मैं भूखे थोड़ा. यार ये तो नहीं खा रहा. अरे अनमोल जी थोड़ी खाते नहीं आंटी के पास. तो मैं ही कुत्ता बन जाता हूँ. मैंने कहा था ना आपको नहीं खाता. अभी खा लो. अरे आंटी बोली खा लेगा, आंटी के पास था ही नहीं बिस्किट. पता नहीं है. अरे खा गया यार. खा गया. बहुत कम खा. खा अब नमकीन लेते. तो गाइज अब तो शाम हो गई. अब हम लोग आ गए घूम करके पूरा मसूरी. और हैदर जी को ठंड लग रहा है, इन्होंने ब्लैंकेट ले रखा है. ठंड तो मुझे भी लग रही है, बट टी शर्ट में हूँ. अभी हीटर चलाएंगे. तो आपसे लेते हैं हम विदा ये ब्लॉग के लिए. मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में. नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइज. तो गुड नाइट, टेक केयर. शबा खैर. शबा खैर एंड बाय बाय बाय.